हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी कि चप्पल का तोहफा चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मृदु गोज टू रुकुमणि'स हाउस। मृदु रुकुमणि के घर जाती है। मृदु इज अ यंग गर्ल लिविंग विद हर ग्रैंडमदर तापी एंड ग्रैंडफादर तथा इन चेन्नई। मृदु एक यंग गर्ल है, छोटी सी लड़की है जो अपनी ग्रैंडमदर तापी और जो उनके ग्रैंडफादर हैं तथा के साथ चेन्नई में रहती है। मृदु गोज अलॉन्ग विद तापी टू हर आंट रुकुमणि'स प्लेस। जो मृदु है वो अपनी तापी के साथ अपनी आंट के घर रुकुमणि के घर जाती है एक आफ्टरनून, एक दोपहर। देयर शी मीट्स हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। और वहाँ पे जो मृदु है वो अपनी कजन्स भाई बहनों से मिलती है जो कि हैं लल्ली, रवि और मीना। एवरीवन एट रुकुमणि'स हाउस वाज ग्लैड टू सी मृदु। मृदु को देख के जो रुकमणि के घर में जितने भी सभी लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। ग्लैड का मतलब था खुश। देयर वाज अ थिक बिटर बेरी बुश इन देयर बैकयार्ड। और जिनके बैकयार्ड घर के पिछवाड़े में एक बिटर बेरी बुश यानी कि झाड़ी थी, बेरी की झाड़ी थी। रवि टुक हर बिसाइड दैट। रवि उसके साइड में उसको लेके गया। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। देयर वाज स्मॉल लिटिल किटन इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल। और वहाँ पे छोटी सी बिल्ली का बच्चा था जो फटे हुए फुटबॉल में उसके अंदर। द स्मॉल क्रीचर वाज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क दैट वाज केप्ट इनसाइड अ हाफ शेल्फ ऑफ कोकोनट। और वहाँ पे जो जो प्राणी स्मॉल का मतलब छोटा, क्रीचर का मतलब प्राणी, तो वो जो बिल्ली का बच्चा था वो दूध पीने में बिजी था। और दूध किस में रखा हुआ था? हाफ शेल ऑफ अ कोकोनट। जो कोकोनट जो नारियल होता है उसका जो कटोरी होती है उसके अंदर, उसके अंदर दूध रखा हुआ था और बिल्ली उस दूध को पी रही, पीने में बिजी थी। द किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। मीना इन्फॉर्म मृदु दैट दे हैव फाउंड द किटन आउटसाइड देयर हाउस इन द मॉर्निंग ऑफ दैट डे। मीना ने फिर मृदु को ये बताया, ये इन्फॉर्म किया कि जो ये बिल्ली का बच्चा था उनको उनके घर के बाहर मिला था सुबह सुबह। बट दे मस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट अदरवाइज अ ग्रैंडमदर विल लीव देयर हाउस इमीडिएटली। पर उसने ये भी बताया कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है, हमें किसी को बताना नहीं है, अन्यथा क्या होगा, जो ग्रैंड मदर है, जो नानी है, वो उसके घर को जल्द ये बात अगर पता चलेगा कि इनके पास बिल्ली है तो वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाएंगे। रवि वाज अपसेट दैट दे वर बीइंग टॉट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स। और जो रवि है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो परेशान इसलिए था क्योंकि रवि बोल रहा है कि हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि एनिमल्स के प्रति हमें क्या है, हमें दयालु की भावना रखनी है, हमें काइंड रहना है। बट वेन ही वॉज ट्राइंग टू डू सो एल्डर्स वर स्क्रीमिंग एट देम कॉलिंग द किटन अ डर्टी क्रीचर। और फिर वो ये भी बोल रहा है कि जब हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ली के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं घर में, वो हम पे चिल्ला रहे हैं, वो हमें ये बोल रहे हैं कि जो बिल्ली का बच्चा है वो क्या बहुत ही गंदा क्रीचर है। डर्टी का मतलब था गंदा। हिज ग्रैंडमदर वॉज सस्पिशियस व्हाइल ही वॉज टेकिंग आउट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम द किचन। और जो नानी थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो उसको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। सस्पिशियस का मतलब था संदेह होना, शक होना। उसका शक हो रहा था नानी को, क्योंकि वो जब दूध ले रहा था किचन से बिल्ली के बच्चे के लिए, तो उनको थोड़ा शक। ही हैड टू ड्रिंक मोर देन हाफ ऑफ द मिल्क टू मेक हर बिलीव दैट इट वॉज फॉर हिम। फिर क्योंकि वो दूध ले रहा था तो उसकी नानी को शक हो गया, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने आधा गिलास दूध खुद पी लिया ताकि नानी को लगे कि वो अपने लिए दूध ले रहा है। He also told Mridu that they have named the kitten as Mahendran. और फिर उसने ये भी बताया मृदु को कि जो बिल्ली के बच्चा है उसका उन्होंने उसका नाम महेंद्रन रखा है। मृदु loved the name because it sounded real unlike those cute ones you keep for the kittens. और मृदु को ये नाम बहुत अच्छा लगा। वो नाम इसलिए अच्छा लगा और उसको ये नाम असली सा लगा, क्योंकि ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्यूट से नाम रखते हैं वो अपने किटन्स का, अपने बिल्ली के बच्चे का, पर यहाँ पे उसका नाम रखा गया महेंद्रन। रवि फर्दर एडेड दैट इट्स कंप्लीट नेम वाज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई एंड एमपी पुनई इन शॉर्ट। फिर रवि ने उसको आगे ये भी बताया कि इसका कंप्लीट नाम, पूरा नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई एंड एमपी पुनई इन शॉर्ट। अब आप देख सकते हैं कि नाम कितना बड़ा रखा गया है उस किटन के लिए। ही इन्फॉर्म्ड हर ही कुड मेक इट फ्रॉम इट्स फर दैट इट वाज अ फाइन ब्रीड कैट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ फ्लाइंग फैमिली लाइक द वन दैट पल्लव किंग यूज्ड इन द एम्बलम। उसने ये भी बताया उसके फर को देखे, फर क्या होता है, जो उसकी स्किन होती है एनिमल की, हम उसको फर बोलते हैं। उसके फर को देख के ये बताया जा सकता है कि जो ये बिल्ली की जो प्रजाति है, जो स्पीशीज है, वो बहुत ही अच्छे प्रजाति की ये बिल्ली है। और जो इसके क्लोज रिलेटिव है, जो इसके रिश्तेदार हैं, वो लायन फैमिली से, शेर की फैमिली से हैं। और जो वो शेर की फैमिली को पल्लव के जो राजा थे वो अपने एम्बलम यानी कि अपने साइन में
शो करते थे, दिखाते थे। टू दिस मृदु गिगल्ड विच इंस्टिगेटेड रवि टू प्रूव हिज नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री फर्दर। ये सुन के मृदु को जाहिर सी बात थोड़ी सी हंसी आ गई। गिगल का मतलब होता है हल्के से हंसना, क्योंकि जो रवि है वो उस बिल्ली का कनेक्शन पल्लव राजा के टाइम से कर रहा था इसलिए। ऑन हिज स्कूल ट्रिप टू महाबलीपुरम ही हैड सीन स्टैचू ऑफ अ लायन एंड ही फर्मली बिलीव्स दैट इट वाज द एंसेस्टर ऑफ दैट। तो जब भी रवि जब स्कूल की ट्रिप से गया था महाबलीपुरम, तो उसने वहां पे देखा था एक शेर का स्टैचू, देखा था मूर्ति देखा था, और उसको लगता है कि जो ये बिल्ली की जो पूर्वज है वो इसी शेर से रिलेटेड है। ही प्राउडली अनाउंस्ड दैट हिज स्मॉल किटन इज अ डिसेंडेंट ऑफ महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर उसने ये भी अनाउंस कर दिया, सबको सूचित कर दिया, और बहुत ही गर्व से सूचित किया। प्राउडली का मतलब गर्व से सूचित करना कि जो उसकी जो बिल्ली है, छोटी सी बिल्ली, वो डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि, तो रवि को लगा कि जो स्मॉल जो उसकी बिल्ली का बच्चा है वो महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनकी वो वंशज है। ही रिमाइंडेड मृदु ऑफ कैट्स बींग वर्शिप्ड इन एंशियंट इजिप्ट। और उसने मृदु को ये भी बताया कि जो बिल्लियाँ हैं इजिप्ट में, मिश्र में, पुराने जमाने में उनकी पूजा भी की जाती थी। ही बिलीव्ड इट टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ कैट गॉडेस टास्टेड। और फिर उसको ये भी लगा कि जो ये बिल्ली है वो उनकी वंशज है, कैट गॉडेस बैस्टेड, जो बिल्ली की देवी है बैस्टेड, उनकी वो वंशज है। द क्रीच नॉइज, एक क्रीच शोर। रवि वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल प्राउड अनाउंसमेंट्स अबाउट हिज किटन व्हेन अ वियर्ड साउंड क्रीच केम फ्रॉम द विंडो। तो जब रवि अपने बहुत गर्व से बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहा था छोटी सी बिल्ली के बारे में कि वो इनके वंशज हैं, तभी क्रीच शोर आया, बहुत अजीब सा शोर आया खिड़की की तरफ से। मृदु वॉज शॉक्ड वाइल महेंद्रन वॉज फ्राइटेंड। मृदु शॉक में चली गई और महेंद्रन जो कि बिल्ली थी वो बहुत डर गई। महेंद्रन जम्प्ड विथ फियर ऑन अ ट्रे और रेड चिलीज केप्ट अंडर द सन फॉर ड्राइंग। महेंद्र डर के मारे एक जो ट्रे के ऊपर चढ़ गई और जिसपे की लाल मिर्च रखी गई थी सूरज में सुखाने के लिए उसपे। विद द क्रीचिंग नॉइज कंटिन्यूइंग ऑन द बैकग्राउंड मृदु इंक्वायर्ड व्हाट इट वाज। और क्योंकि वो लगातार क्रीचिंग नॉइज आ रही थी, साउंड आ रही थी बैकग्राउंड में से, तो मृदु ने फिर क्वेश्चन पूछा कि ये हो क्या सकता। रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वाज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। फिर रवि ने मृदु को बोला कि जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। मृदु पीप्ड फ्रॉम द विंडो एंड शी फाउंड लल्ली वॉज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन सिटिंग अ बिट अवे फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर हु हैड हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो। फिर मृदु ने झांक के देखा, पीप्ड का मतलब झांकना, खिड़की से झांक के देखा, तो उसने देखा कि जो लल्ली उसने वायलिन पकड़ रखा था पर बहुत अजीब पोजिशन में उसने पकड़ रखा था और वो थोड़ी सी दूर थी अपने म्यूजिक टीचर से जो कि जिनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। द टीचर वॉज बॉल्ड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। जो टीचर थे वो थोड़े से गंजे थे, बाल नहीं थे उनके, विद अ फ्रिंज और उनके जो ब्लैक बाल थे, जो काले बाल थे, उसमें तेल लगा हुआ था और तीनों साइड से उनके बाल थे, यानी कि बीच में से वो गंजे थे। देयर वॉज गोल्ड चेन इन द नेक एंड अ रिंग ऑन हिज हैंड। और उनके गले में सोने की चेन थी और हाथ में अंगूठी थी। He had a big toe with which he was thumping the ground. और उनका जो अंगूठा था, पैर का अंगूठा, वो बड़ा था और जिससे वो जमीन पे थंप कर रहे थे, बार बार मार रहे थे। He was playing the notes perfectly on the violin while Lalli was struggling hard. वो अपने जो वायलिन था वो अच्छे से बजा रहे थे, अच्छे नोट्स से बजा रहे थे, पर जो लल्ली थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और बहुत ही मुश्किल से वो बजा पा रही थी। His tracks were filled with melody while Lalli continued missing the note. CS. और जब वो उनके जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से मेलोडी बजा रहे थे, ट्रैक अच्छे से बजा रहे थे, जबकि लल्ली हर बार मिस कर रही थी, यानी कि वो ढंग से नहीं बजा पा रही थी। द बैगर, भिखारी। चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो व्हेन रुकुमणी कॉल्ड रवि टू सेंड द बैगर अवे। तो बच्चे थे वो बहुत मजे कर रहे थे क्योंकि वो खिड़की से देख रहे थे। फिर रुकुमणी आई और उन्होंने रवि को बोला कि ये भिखारी को भगाने के लिए बोला। She was fed up with the beggar coming to their place for a week now and wanted him to find another house. और वो इसलिए उन्होंने बोला कि भिखारी को भगाने के लिए क्योंकि वो पूरे हफ्ते वो आ रहा था यहाँ पे और वो चाहते थे कि वो भिखारी कोई दूसरा घर ढूंढे भीख मांगने के लिए। The beggar had made himself comfortable at the garden. और जो भिखारी था उसने अपने आप को गार्डन में खड़ा, आराम से वो खड़ा था। He was leaning against the neem tree with his upper clothes spread under it. और फिर वो जो नीम का पेड़ था उसके उसे टिक के वो खड़ा हो गया with his upper clothes spread under it. और जो उसका जो
कपड़ा था उसने उसको नीचे बिछा दिया था। He was about to snooze when he heard Ravi asking him to leave. और वो झपकी ही लेने वाला था, स्नूज का झपकी लेना, जब वो झपकी लेने वाला था तभी उसने रवि की आवाज सुनी और रवि ने उसको बोला जाने के लिए। He was shocked hearing this and called for lady of the house. और ये सुन के भिखारी को बहुत ज्यादा धक्का लगा, शॉक लगा, और फिर उसने जो घर की मालकिन है उनको बुलाने का आग्रह किया। An irritated Rukmani told Ravi that there wasn't anything left in the kitchen and asked the beggar not to come again. फिर जो Rukmani थी वो बहुत ज्यादा irritated, already पहले से थी वो irritated, तो उन्होंने रवि को बोला कि भिखारी को बोलो कि किचन में कुछ भी नहीं है देने के लिए, ओके, और भिखारी को ये भी बोलो कि दोबारा यहाँ पे वापस ना आए। Her voice was so loud that Ravi didn't have to repeat her words to the beggar. और उनकी आवाज इतनी तेज थी कि रवि को उनकी कही बात को रिपीट नहीं करना था भिखारी को, भिखारी ने यानी कि डायरेक्टली उनकी बात सुन ली थी। द बेगर टोल्ड देम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ व्हाइल। भिखारी ने ये बोला कि वो तभी जाएगा जब वो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेगा, थोड़ा आराम कर लेगा थोड़ी देर के लिए। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड एंड देयर वर ब्लिस्टर्स इन हिज फीट। और क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही थी और उसके पैरों पर छाले भी पड़ रखे थे। द चिल्ड्रन वर इन पेन सीइंग दिस एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चॉकलेट्स। फिर बच्चों ने देखा उसका इधर, तो अब वो एक प्लान बनाने लगे कि वो उस भिखारी को चप्पल गिफ्ट में देंगे। द गिफ्ट उपहार। मृदु रिमेम्बर्ड सीइंग अ पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल्स व्हाइल शी हैड एंटर्ड रवि'स हाउस। मृदु को ध्यान में आया कि जब वो उसके घर में घुसी थी तो एक पुराना चप्पल का एक जोड़ा था जो कि ग्रे कलर का था। शी आस्क्ड रवि हुम दे बिलोंग टू, कि उसने रवि से पूछा कि वो चप्पल किसकी है। रवि टुक द चप्पल्स एंड गेव इट टू द बेगर एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम अगेन। रवि ने वो चप्पल्स ले ली और उसने भिखारी को दे दी, और भिखारी को बोल ये भी बोला कि वापस ना आए यहाँ पे वो दोबारा। द बेगर वेंट अवे वेयरिंग द चप्पल्स एंड ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। जो भिखारी था उन्हें चप्पल पहनी और वो चला गया और उसने बच्चों को दुआएं भी, ब्लेसिंग्स का मतलब दुआ दे। इट वॉज अ टाइम फॉर द म्यूजिक टीचर टू लीव। और अब वो समय हो गया था कि जो म्यूजिक टीचर थे जो कि वायलिन क्लास ले रहे थे, अब उनके जाने का समय हो गया था। He was looking for his chappals, और वो अपने चप्पल को ढूंढ रहे थे। He called Lally and they looked everywhere. फिर उसने लल्ली को भी बुलाया और उन्होंने चप्पल हर जगह देखा, but didn't find them. और उसे ढूंढ नहीं सके। Lally informed Rukmani about it. फिर लल्ली ने रुकमणि को इसके लिए inform किया। Rukmani questioned the children if they had seen anyone picking up the chappals. फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या आपने किसी को चप्पल उठाते हुए देखा है। Rukmani was really angry and Mridu couldn't control anymore. Rukmani बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और मृदु को ये सब देखा नहीं जा रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। She told her that they have given the music teacher's chappals to the beggar. फिर उसने रुकमणि को बताया कि जो म्यूजिक टीचर की जो चप्पल थी उन्होंने बेगर को भिखारी को दे दी। Rukmani went inside and brought Gopu Mama's new chappals and gave them to the music teacher. फिर रुकमणि अंदर गई, फिर वो गोपू मामा की जो नई चप्पल थी उसने उन्हें चप्पल को म्यूजिक टीचर को दे दिया। द टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग द न्यू चप्पल, और टीचर ऑब्वियसली वो बहुत खुश था क्योंकि उसको नई चप्पल मिल गई थी, बट स्टिल प्रिटेंडेड एज दो इट वॉज टफ फॉर हिम टू एक्सेप्ट देम। उसने थोड़े नखरे दिखाए और ये दिखाए कि बहुत ही ज़्यादा टफ है उसके लिए ये जो नई चप्पल एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। Rukmani द लविंग मदर द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान which seemed clear that Rukmani didn't like. The teacher है उसने रवि को एक बंदर कहा, an incarnation of Lord Hanuman, जो हनुमान जी हैं उनका एक रूप कहा, पर ये रुकमणि को पसंद नहीं आया। फिर उसने she wanted the teacher to leave immediately, और फिर वो चाहते थे कि जो टीचर है वो घर से जल्दी जाए। After he left, जब टीचर चले गए, she called the children होम एंड ऑफर देम सम स्नैक्स। उन्होंने सभी बच्चों को घर में बुलाया, उनको कुछ नाश्ता दिया खाने के लिए। शी थैंक्ड गॉड दैट गो टू ऑफिस इन चप्पल्स बट नीडेड देम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली। तो फिर उन्होंने भगवान का भी थैंक यू कहा, शी थैंक्ड गॉड दैट गो टू ऑफिस इन चप्पल्स, फिर उसने भगवान का शुक्रिया किया कि गोपू यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है उसका भाई, बट नीडेड देम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली, पर उनको चप्पल की जरूरत होगी तो वो वापस ऑफिस आएंगे उनके मामा हैं। She wondered what she'll tell him, giving a hint that she will take the blame on herself. फिर उसने सोचा कि वो क्या करेगी, फिर उसने दिमाग में आया कि वो उसे बता देगी अपने भाई को यानी कि बच्चों के मामा को कि ये
उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी गलती की है वो अपने ऊपर ले लेंगे, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगे। सो दिस वॉज दिस स्टोरी, आई होप दैट यू फाउंड इट दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.